well. Here you see, the sentence is like that. Ravi, hello sir, how to go the government of hospital. This is the first sentence. A conversation between Ravi and passers-by. Here you see, Ravi, hello sir, how to go to the government hospital. Full stop. Passers-by replied, I think you need to take the right turn from here and then a further right turn. Okay? Got it? Is it okay or not? Now you could see. First of all, Ravi said, hello sir, how to go to the government hospital? क्या होगा बेटा, जल्दी बताएं इसका. Can anybody tell me? Ravi asked how to get government hospital. Ravi asked, very good. How to get government hospital. अरे तू के साथ went नहीं लगेगा बेटा, तू के साथ go ही लगेगा ना. ठीक है ना, रवि आस्क्ड ठीक है ना, हाउ टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, दैट्स ऑल. ओके, सिंपल. टू के बाद हमेशा वी1 रहेगा बेटा, ये हमेशा याद रखना, टू वेंट गलत होता है. तो रवि आस्क्ड ब्लैकबोर्ड इज नॉट विजिबल. मैं बोल रहा हूँ, सुनाई दे रहा ना? ब्लैकबोर्ड इज नॉट विजिबल. विजिबल नहीं है. और नजदीक घिसता हूँ, एक मिनट. चलिए, ओके. नाउ, हेलो सर, हाउ टू गो टू द हॉस्पिटल. अब यहां देखिए, हेलो सर, हाउ टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. तो रवि आज हाउ टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल किससे पूछा? आज द पासर बाई. सर है किसके लिए? पासर्स बाई. यहाँ पासर्स बाई से कंपनसेशन हो रही है. तो रवि आज द पासर्स बाई ऐसे बनेगा. ठीक है, हियर यू सी, रवि आस्क्ड द पासर्स बाई हाउ टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल हॉस्पिटल. सर यू सी, रवि आज द पासर्स बाई हाउ टू गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल. अब नाउ द पासर्स बाई क्या कहता है? पासर्स बाई, आई थिंक यू नीड टू टेक द राइट टर्न फ्रॉम हेयर एंड देन फर्दर राइट देयर. अब यहां देखिए, तो पासर्स बाई रिप्लाइड दैट क्या हो जाएगा? रुके मत करिए. हाँ बोलिए. पासर्स बाई रिप्लाइड दैट, मैंने आगे बताया, बोल जल्दी बनाइए. पासर्स बाई रिप्लाइड दैट Yes? He thought that he had to. अरे आई थिंक है, आई थिंक है ना, तो सजेशन है. रिप्लाइड दैट ही शुड
suggested that. Yes, suggested. He suggested. Replied that. Or here you see. Passers by replied that he should kya dega, he should take a right turn. He should take a right turn. He should take a right turn. Here will become there, and then another right turn. Replied. Passers-by replied that I think you need to take. तो need को भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस तरह से भी बना सकते हैं. Passers-by replied that he needed. ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है ना? That he need to take right turn from here will become there, from there then further right turn. Okay, now next few sentences. अब कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है. रवि, थैंक यू सर. I have been searching it for half an hour. चलिए यही लास्ट है. रवि, थैंक यू सर. I have been searching it for half an hour. तो रवि थैंक द पासर्स बाय. यू इज हू? पासर्स बाय. रवि थैंक द पासर बाय. अरे थैंक के बाद आगे क्या होगा बेटा? थैंक तो कह दिया. एंड सेड. रवि थैंक, थैंक यू और सेड, ये बातें. रवि थैंक द पासर बाय. रवि थैंक द पासर्स बाय. Ravi thanked him and said, याद रखिए, यू के बदले में हिम होगा. रवि thanked him and said, और कहा. अब यहां से आइए, आई हैव बीन सर्चिंग यू, दैट ही हैड बीन, आई विल बिकम ही हैड बीन searching that for half an hour. Ravi thanked him and said,
said that said that that he had been searching it for half an hour. Ravi thanked him and said that that he had been searching it, फिर कोई भी रहने दो, for half an hour. ठीक है बेटा, is it okay? Ravi thanked him and said that, चलिए फिर जल्दी नोट कीजिए बेटा, आगे बढ़ेंगे, आज इसको खत्म कर देना बेटा, फटाफट करते जाइए. रवि थैंक्ड हिम एंड सेड दैट ही हैड बीन सर्चिंग इट फॉर हाफ एन आवर. नाउ अनदर कन्वर्सेशन, सी द अनदर कन्वर्सेशन. हैव यू नोटेड डाउन? हेलो, ओके, कैन आई मूव, कैन वी मूव फर्दर? Okay, see the another conversation. See the another conversation. See the another conversation. Kavita and Rosh, Kavita. Kya kaha Kavita ne? Hey Rohit. Hey Rohit, your dress is beautiful and nice. Your dress is beautiful and nice. ये बात की बना दी यार रोहित. कविता, हे रेखा, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल एंड नाइस. रेखा ने जवाब दिया. रेखा ने क्या कहा? थैंक यू. My mother got it for me. रेखा वाला सर वापिस रिपीट करिए ना. एक मिनट रुक जाओ, पहले लिखने दो यार, बस तुरंत हो जा रहा. कविता, 3 लाइन का तो है ही. कविता, यू लुक ग्रेट इन इट. अभियान, ये कन्वर्सेशन है, मैं पढ़ता हूं. हे रेखा, कैसा ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का. हे रेखा, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल एंड नाइस. रेखा ने जवाब दिया, थैंक यू, माय मदर सीधा, थैंक यू, माय मदर गॉट इट फॉर मी यस्टरडे. कविता, यू लुक ग्रेट इन इट. दिस इज द कन्वर्सेशन. अब पहला आइए. कविता, हे रेखा, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल. ये एक्सक्लामेटरी है, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए. हे कविता एक्सक्लेम्ड. वेरी गुड. कविता एक्सक्लेम्ड रेखा.
एक्सक्लेम्ड रेखा एक्सक्लेम कविता एक्सक्लेम दैट योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल कविता एक्सक्लेम दैट दैट हर ड्रेस इज ब्यूटीफुल एंड नाइस ठीक है ना सर वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस कविता मेरी बात लिसन टू मी कविता एक्सक्लेम ठीक है ना एक्सक्लेम दैट हर ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस ठीक है ना या रेखा भी कविता एक्सक्लेम दैट रेखा ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस इस तरह से बिहार के जगह पर रेखा भी लगा सकते हैं क्लियर है ना कविता एक्सक्लेम दैट हर ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस वॉज हो जाएगा इसकी जगह पर क्या हो जाएगा बेटा हर ड्रेस यहां पर यू की जगह पर चेंज करके हर बना सकते हो रेखा भी लिख सकते हो कविता एक्सक्लेम ठीक है ना दैट रेखा ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस ठीक है ना देखिए मैं बनाता हूं कविता एक्सक्लेम्ड Exclaimed that her dress was beautiful and nice. Beautiful and nice. Clear? Yes, sir. कोई problem? कविता एक्सक्लेम दैट हर ड्रेस वॉज ब्यूटीफुल एंड नाइस अब रेखा ने जवाब दिया थैंक यू माई मदर गॉट इट फॉर मी यस्टरडे तो रेखा थैंक्ड हर एंड सेड ठीक है ना आगे बनाइए रेखा थैंक्ड हर एंड सेड दैट हर मदर गॉट दैट फॉर हर डे बिफोर अरे रेखा थैंक टू कविता एंड सेड हर मदर गॉट इट यस गेट वेरी गुड को हम बना सकते हैं वेरी गुड प्रीवियस डे भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं द डे बिफोर भी कह सकते हैं प्रीवियस डे या डे बिफोर रेखा थैंक हर थैंक यू रेखा थैंक हर कविता को थैंक है ना कविता भी लिख सकती है थैंक कविता यू की जगह कविता भी लिख सकती है या हर भी लिख सकती है थैंक यू किसके लिए आया कविता के लिए तो रेखा थैंक चेंज करेंगे ब्यूटीफुल एंड नाइस रेखा thanked her and said that her mother ठीक है ना रेखा thanked her and said that her mother that her mother बेटा गॉड था गॉड सिंपल पास्ट बिकम पास्ट परफेक्ट
बच्ची ने गलत किया था, किस बच्ची ने मनाया था? हेलो, गॉट है सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो दैट हैड मदर हैड गॉट, हैड लग जाएगा मेरे बच्चे, ये तुमने गलत किया था, हैड गॉट हो जाएगा सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, द गर्ल हु आंसर्ड मी प्लीज करेक्ट इट। हेलो, आर यू लिसनिंग? हाँ, रेखा थैंक्ड हर एंड सेड दैट हर मदर हैड गॉट। बेटा देखो, आप रूल्स को भूल जाते हैं, मैंने बताया था ना, प्लीज रिकॉल द रूल, कि सिंपल पास्ट विल चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, हियर द सेंटेंस वाज दैट हर मदर गॉट इट, तो हर मदर गॉट, तो गेट का पास्ट मदर, मदर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस वी टू, तो ये क्या हुआ, गॉट इज वी टू, गेट का पास्ट इज गॉट, तो ये सिंपल पास्ट में आ गया, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू व्हाट, सिंपल प्रेजेंट विल चेंज इनटू पीपी, प्रेजेंट पास्ट पर पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, सिंपल पास्ट चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट, तो जहां तक हर मदर गॉट इट, तो हर मदर हैड गॉट इट, गेट गॉट गॉटन, गेट गॉट गॉटन, ठीक है ना, हैड गॉट इट, गेट गॉट गॉट या गेट गॉट गॉटन, गॉटन भी वर्ड होता है, जी ओ डबल टी एन, गेट का थी, गेट के जो वर्ड को याद कीजिए, तीनों फॉर्म गेट गॉट गॉट या गॉटन भी होता है, तीनों चीज होता है, जैसे फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगेटन, तो डबल टी एन भी लगा सकते हैं, गॉटन, गेट का हम यूज, लेकिन जनरली हम लोग गॉट का गॉट ही यूज करते हैं, बोथ इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल, तो हर मदर हैड गॉटन इट, गॉटन इट, इट फॉर हर यस्टरडे, द डे बिफोर, द डे बिफोर। अब आइए कविता, यू लुक ग्रेट इन इट, अब क्या होगा इसका बेटा, हु विल सॉल्व इट? सर, सर कविता रिप्लाइड यू वाज लुकिंग ग्रेट इन दैट ड्रेस। यस यस, वेरी गुड, कविता टोल्ड दैट ही लुक ग्रेट इन इट, या कविता सेड, सिंपल बना सकते कंप्लीटर, तो सेड दैट यू लुक, यस 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 यस, वेरी गुड, अरे लुकिंग क्यों करेगी, नहीं लुकिंग होगा ना, कविता से दैट शी लुक्ड ग्रेट इन दैट, क्या इट को ही रहने देंगे, कविता से दैट यू विल बिकम शी, द बॉय इज राइट, जो बच्चे ने बताया ठीक कहा उसने, कविता से दैट शी लुक्ड ग्रेट इन इट, ओके, चलिए एक और कन्वर्सेशन का टाइम बचा, बेटा जल्दी से करते हैं हम लोग, आज के बाद फिर हम लोग ग्रामर का नेक्स्ट चैप्टर, कौन सा चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं जल्दी बता दीजिएगा हमको, पुलिस, पुलिस, हाउ इज द सिचुएशन, हाउ इज द, हाउ इज द सिचुएशन नाउ आफ्टर, आफ्टर द एक्सीडेंट, सब पुलिस, सबॉर्डिनेट पुलिस, नाउ इट इज अंडर कंट्रोल, नाउ
it is under control, sir. Police. Be careful. Be careful. The fire may again spread. See the conversation. Police. How is the situation now after the accident? The subordinate police. Now it is under control, sir. Be careful. The fire may again spread. Who will solve it? Number one. Police, how is the situation now after the accident? Kaun banayega isko? The police on duty. The police asked how was the police on duty now after that accident. No, no, no. Pehle jo cheez ko tum bhool rahe ho, samajh. How was the situation previously before the accident? Sir, how was the situation previously that? Now will then. How? Pehle the police on duty. The police on duty asked, how was the situation then? Is tarah se banaiye. How the situation was after the accident? The police on duty asked, how was the situation after the accident? Theek hai na? The police on duty asked, how was the situation after the accident? Clear ho gaya? Itna dimag kya lagana? The police on duty asked, how इसके जगह पर बात कर दो सिंपल. पुलिस ड्यूटी में है, पूछ रही है. द पुलिस ऑन ड्यूटी आज या द पुलिस ड्यूटी नहीं लिखना, कोई दिक्कत नहीं. द पुलिस आज हाउ वॉज द सिचुएशन आफ्टर द एक्सीडेंट. पुलिस ने जा नाउ इट इज अंडर कंट्रोल सर. सबोर्डिनेट पुलिस replied that, क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो. The policeman replied that it was under control. खत्म. The police subordinate police replied that it was, इसको was बना देंगे, it was under control. Finish. The police officer then replied. Now ko then bhi bana sakte ho. The police replied that it was under control. The policeman warned. Be careful. Warned किया ना. The policeman asked him, क्या हो गया, जल्दी बताओ. Hello. Be careful. The fire may again spread. Be careful. The fire may again spread. Be careful. The police on duty. The police
said, suggested to be careful. Suggested him to be careful. To be careful. Suggested, very good, right word, suggested, proposed. Here the suggestion is there. It is sentence of order. Be careful, it is suggestion. So the policeman suggested, very good boy, suggested him to be careful and said, the fire might be again spread. Might be again spread. That's all. If you have any problem, please ask. Well, my dear friend, the police on duty suggested him to be careful and said that the fire might be again spread. Suggested kar diya, very good. To be careful and that the fire might spread again. So this is good. Thank you. Have a nice day.